मेरे को आपकी जरूरत है उससे मतलब आप कौन हो मुझे मतलब नहीं है, मेरे को आपकी जरूरत है तो मेरे मतलब क्यों, मेरे को आपकी जरूरत नहीं तो आप कितने भी विद्वान हो मेरे दोस्तों तो समझ रहे आपने बहुत परेशान है, जगह जगह काम किया था मैंने उदयपुर जाने का आपको ठीक है, और मैं तो मास्टर बनने के बोले इंजीनियरिंग था, मैं बिरला ग्रुप में 2.5 साल तक सीनियर इंजीनियर रहा हूँ, मैं बिरला ग्रुप होता ना कहीं के बिरला ग्रुप 2.5 साल तक मास्टर नहीं था, मैं इंजीनियरिंग के बारे में मास्टर नहीं था, 2.5 साल मैं होता था उसमें जो बिरला ग्रुप होता उसके अंदर मैं सीनियर इंजीनियर था, सीनियर इंजीनियर बहुत समाज रिजाइन किया, 2.5 साल तक वहाँ काम किया मजा नहीं आया तो रिजाइन किया वहाँ से, समझ रहे तो चीज़ों की चीज़ें होती हैं और हर जगह पैसा ही मैटर नहीं करता, पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अफकोर्स दुनिया में जीने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, पैसा भी मैटर करता है, मैंने कह रहा पैसा जीरो मैटर करता है, पैसा भी मैटर करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब मैंने बिरला ग्रुप से रिजाइन किया तो थोड़ी मेरी सैलरी वहाँ कम थी, मेरी सैलरी वहाँ अच्छी थी एंड आई वॉज इन गुड पोजिशन, मेरे पास पूरा 18 लोगों का स्टाफ था, ठीक है 18 लोग मेरे को साफ साफ करके आगे पीछे घूमते थे, ठीक है 18 लोगों का सब कम नहीं देखता था, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे को वहाँ पर अनकम्फर्टेबल लगता था, छोड़ दिया मैंने हमारे, और फिर उसके बाद बहुत सारी ईसाई कराई थी मैंने पैसे के बहुत हिस्सा हूँ, तो कहते हैं इतना टूटा हूँ कि अब छूने से निकल जाऊँगा, तो कभी लोग मेरे से पूछते हैं कि वो आप कहाँ के जाते हो, मैं पता है मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, अभी आप लोगों ने पूछा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा जो खुद का आयोग मेरे को लगता है बहुत खराब लगता है, जबकि मेरे को लगता है कि मैं इतना खराब हूँ उसके लिए डिजर्व भी नहीं करता था, एक तो ना कि आप ही आप ही होते हैं, एक होता है कि आपके दम नहीं था, एक तो ना आप में ही दम नहीं था, लेकिन दम तो था, जब मैं फैक्ट्री में था वहाँ पर काम करता बिल्डर में वहाँ भी सारे मैनेजर्स वगैरह मेरे को इज्जत देते थे, बोले हाँ ये भी अच्छा काम करता है, एक होता ना रेटवर्क, और मैं जहाँ जहाँ भी पढ़ा वहाँ भी मेरे को ठीक रहा, मैंने लाइफ में जब पहली बार पढ़ा तब भी मेरे को एकदम बच्चों ने अच्छा पसंद किया था, वहाँ पर जो पहले से एस्टेब्लिश टीचर थे वो लोग भी पढ़ाते थे, मैं तो पहली बार जब मैं बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया तो पहली क्लास के बाद ही मेरे को बच्चों ने पसंद किया, पसंद इन द सेंस बच्चों दूसरे ने बोले कैसे पढ़ा था मास्टर, वेरी फर्स्ट टाइम जब मास्टर था पहली क्लास के बाद भी मतलब ये ऊपर वाले की कृपा है कि मैं अच्छा रहा, तो तब से लेके मेरे को अच्छा ही चल रहा है, सही भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, हाँ मैं उम्मीद तो ऐसा करता हूँ पर फिर भी मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि कई बार उम्मीदें पूरी नहीं होती, कई बार मैं अपन सोचते कुछ होता कुछ होता है, ठीक है ना, आप अपने लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं और ईश्वर आपके लिए अलग योजना बना रहा होता है, आप अपने लिए योजना बना रहे हैं ईश्वर आपके लिए अलग योजना बना के बैठा है, कुछ भी होता है, जैसे मैं स्कूल में कॉलेज में था या जब मैं वहाँ बिरला ग्रुप में जॉब करता था मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं मास्टर बनूंगा, अरे कहीं प्लान भी नहीं था मैं मास्टर बनना चाहता हूँ या बनूंगा, और मैं बाई चांस मास्टर बन गया तो मास्टर बन गया, आज मैं कौन हूँ मेरे प्लानों में कहीं था, मैं कॉलेज में था तो मैं दूर तक भी नहीं सोच रहा कि मैं मास्टर बनूंगा, इवन जैसे मैं पड़ोस में कुछ बच्चे रखे थे ना तो जैसे थोड़ी इज्जत टाइप की अच्छा स्टूडेंट होता ना, जैसे मॉल में इज्जत टाइप होता ना मुझे अच्छा स्टूडेंट है वो टोपर ऊपर रहते थे ना, तो पास वाले लोग पास वाले अपने बच्चों के लिए देते थे यार दिनेश टाइम काफी थोड़ा पढ़ा पर बोलते ना पड़ोस में बोले यार थोड़ा इज्जत टाइप होता ना बोले अच्छा बोलते थे पढ़ाऊंगा, और जब मैं नौकरी करता था वहां पे बिल्डर तो भी मेरे प्लान नहीं था मैं पढ़ाऊंगा, और पता नहीं वो जिंदगी पता नहीं कहाँ 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 ले जाती है, आदमी समझ नहीं पाता है, आप अपने लिए कुछ ये योजना बना रहे होते हैं ईश्वर आपके लिए और योजना बना रहा होता है, और अल्टीमेटली होगा वही जो ईश्वर ने लिखा हुआ है, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, आपके मेरे चाहने से आपकी प्लानिंग से मेरी प्लानिंग से कुछ भी नहीं होगा, उसने प्लान करता है वही होगा 100% वही होगा, अब मेरे आप इस बात पर पूर्ण फेथ है और पूर्ण बिलीफ है, होगा वही जो ईश्वर ने प्लान करता है, आप कितने भी आय होगा कर लो, आप कितना भी उठ के पढ़ लो, आप कितना भी प्लानिंग कर लो, होगा वही जो उसने प्लान करता है, और अपने आप सिचुएशन रास्ते ऐसे बनेंगे कि होगा वही की जो उसने प्लान करता है, आप पढ़ते रहो प्लानिंग, आपकी प्लानिंग एक मिनट में ढेर हो जाएगी, समझ रहे आप प्लानिंग करते रहो मैं ये करूंगा अचानक बारिश आई और आपकी प्लानिंग खत्म, समझ रहे एक तूफान आए और आपकी प्लानिंग खत्म, होगा वही ईश्वर ने प्लान करता है, ईश्वर ने प्लान करता था ये मास्टर मास्टर बनेगा, मास्टर बन गया पहले तो प्लान में नहीं था पर ऐसा बाई चांस ऐसा बल बल के मैं मास्टर बन गया, तो ठीक है
मुझे कोई दुख थोड़ी मास्टर बन गया, मुझे लगता है ईश्वर चाहता है मास्टर बनो तो मास्टर बन गए, और अपन ने तो खुद तो नहीं बने, उसने बना दिया, बना दे रिपोर्टिंग पानी उसकी चलती है, अपन लोग तो बस काम कर सकते हैं, अपन लोग दिमाग लगा पानी करते रहते हैं, है ना। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हें थोड़ी सा मास्टर बनूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में था जो भी लड़के थे वो सब सब बढ़िया बढ़िया भी हो गया, और अचानक अल्टीमेटली तो मास्टर बनने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत सफल पढ़ाने में मैं ज्यादा सफल रहा, तो जो दुनियादारी की भाषा में बोलते हैं इसको सफलता रिपोर्ट पढ़ते हैं, और आपको पता है मेरे लोगों ने मतलब कहना नहीं चाहिए बोल देता हूँ, जब मैं मास्टर था ना मेरे लोगों ने 2000 रुपये महीने भी लगाए, मास्टर का शुरुआत में स्ट्रगल जब मैं करता था मेरे सारे लोगों ने 2000 रुपये महीने भी लगाए कि ठीक है आप हमारे यहाँ पढ़ा लीजिए हम आपको 2000 रुपये महीने देंगे, समझ रहा 2000 रुपये मंथली मेरे सब लोगों ने दे दिया कुछ जो समय की बात है, जबकि जब मैं उस टाइम जब मैं बिल्डर रूप से रिजाइन किया था सर 2000 दिसंबर 2000 में बिल्डर रूप से रिजाइन किया था, निकाला नहीं गया मुझे नहीं आपके दिमाग में सब सोचते हो उसके बाद आप सोचो ना कितना स्ट्रगल है, 22000 रुपये नौकरी में छोड़ा हूँ तो लोग मेरे लगा है 2000 रुपये मैंने देंगे, समझ रहे और ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि आप जो चाहते हो जाए, फिर भी अल्टीमेटली होगा भाई तो ईश्वर का, समझ रहे आप मेरी बात, ये मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी कि आप इतनी बात समझ में नहीं आ पा रहे हो, मैं भी जानता हूँ आपको लग रहा है आप 10 साल आपसे ही बोल रहे हैं, आप 10 साल चले ना मैं सब दुनिया में रहेंगे, मैं भी 10 साल की मजा आएगा, मिलेंगे नहीं कोई बात नहीं, अगर जिंदा रहेंगे तो मिलना होगा आपसे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर आपसे ही बोल रहे हैं, परेशानी समय के साथ सब होगा धीरे धीरे, अगर आपके अपने टाइम जोन में फ्लो हो रहा है आप भी अपने टाइम जोन में चल रहे हैं, जब जिसका जैसा वक्त आएगा वैसा काम हो जाएगा, ठीक है, और आपकी अच्छा बुरा कुछ नहीं लगा टाइम के साथ हो जाता है, चीजें परिस्थितियां कभी कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको जैसा एक्चुअली कई बार क्या चीजें अपने आप ही ऐसी होती है कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है ईश्वर चाहता है, समझ रहे भले आप नहीं भी चाहते कि वो काम करना पड़ता है ईश्वर चाहता है, कई बार चीजें ऐसी हो जाती है विकट, जैसे आप कहीं फंसे हो या तो फंसे हो निकलने की कोशिश करोगे ना, तो अगर आप चाहते हो ईश्वर चाहता है कि इससे डिसीजन हो तो अल्टीमेटली परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो जाएंगी कि आपको काम करना पड़ेगा, समझ रहे, जैसे मान लो आप रोज क्लास आना चाहते हो पर मान लो अचानक एक दिन आप बीमार हो गए तो आप क्लास नहीं आ पाओगे, तो मान लो आप नहीं आ पाए, आप तो चाहते थे आप क्लास में आओ लेकिन आपकी तबीयत खराब है तो आप नहीं आ पा रहे, दैट इज उसमें आपका फॉल्ट थोड़ी ईश्वर चाहता है, ईश्वर नहीं क्या बीमार है, समझ रहे, तो उसमें आपका बाहर में तो लगा क्लास आई है कल लेकिन आप कल क्लास नहीं आ रहे क्या हो गया, उसमें वो काम कर क्या था सोचने का नहीं, काम करते जाइए तो बढ़िया से काम कर जाए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, और स्ट्रगल तो आएगा मान के चलो लिख लो आज स्ट्रगल तो आएगा, इतना स्ट्रगल आएगा कि ऐसी हो जाएगी, हाँ डराने का होगा सत्य बोल रहा हूँ, डरा नहीं बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल अभी कई बहुत से लोग एमबीबीएस में चले गए बहुत मेहनत करनी पड़ती सर, एमबीबीएस में चले गए ना लोग बोलते सर वहाँ कुछ भी नहीं पढ़ते थे हम लोग, यहाँ मेहनत करनी यहाँ पता लगता पढ़ाई कितनी करनी पड़ती, आप लोगों को लगता ना आप बहुत पढ़ रहे हो लगता है ना, वहाँ और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा पीजी के लिए और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और आप कितना डॉक्टर से कितना स्ट्रगल होता है ना, डॉक्टर से बहुत सिंसियर इलाज करना पड़ता है, थोड़ा भी प्रोसीजर लोग मारने पर आ जाते हैं, अब आप कितने क्वालिफाइड हो आपने कितनी मदद की कोई देख रहा है क्या, मान लो कोई डॉक्टर है बेचारा उसे आज हो गया कोई जानबूझकर मारेगा नहीं पेशेंट को,
मान लो कुछ हो गया तो क्या लोग सुनते हैं कि आप कितने क्वालिफाइड हो, आप कितने मैंने फोन करो दिन भर क्यों करें तो समझते नहीं वो वजह बड़ा है और बेचारों कितना फील होता होगा यार अगर मैं जिंदगी भर इस पे कमाई हूँ लोग का मन में आते कुछ झागा जाते पकड़ तो उनका मन में कुछ सत्ता मैंने जिंदगी इन दोनों के लिए कमाई हुई मतलब मेरे को मार रहे हैं आज पकड़ हुआ है समझ रहे कि नहीं सोचो उसके हाथ में क्या कहते हैं आप सोच के देखो तो वो चीज है ना तो इस तरह की पर्टिकुलर चलता रहेगा मैं चलता रहे जब तक दुनिया कैसे तो रहेगा ही रहेगा यू नो वो दुनिया में जीने के लिए बहुत दम चाहिए सर्वाइवल ऑफ इट इज पे दम है तो जिएगा दम नहीं तो निपट कर लोगे इसके से दुनिया ऐसे से कुछ ऐसे और कैसे सर्वाइवल ऑफ इट इज का है तो अपने आप को फिट करिए अपने आप को दुनिया के हिसाब से जीने के लिए मजबूत बनाइए ताकि जो स्ट्रगल आएगी उसको झेलने की क्षमता मिलेगी स्ट्रगल तो आएंगे उससे तो बचेंगे नहीं पर उसको झेलने की क्षमता मिलेगी वो क्षमता डेवलप करेगी ठीक है ना मैं भी काफी डेवलप हो चुका हूँ फिर भी मैं कभी कभी बहुत कमजोर हो जाता हूँ पर फिर भी आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ ज्यादा क्षमता डेवलप करिए स्ट्रगल और परेशान क्यों आने वाला है अपने को मजबूत करिए परेशानों को झेलने की क्षमता डेवलप करिए जितना मजबूत हो पाएंगे उतना सर्वाइव कर पाएंगे सर्वाइवल ऑफ फिटनेस यार बहुत पहले भी गया सर्वाइवल ऑफ फिटनेस इसलिए गया दुनिया का भी यही नियम है हम बहुत क्रूर दुनिया में पैदा हुए यहाँ सिंपैथी ट्रेन का नहीं चलता है आप किसी के लिए यूजफुल हो तो आप उसके लिए महत्वपूर्ण हो आप किसी के लिए यूजफुल नहीं हो तो आप उसके लिए जीरो सुन रहे हैं आपको अगर आप किसी के लिए महत्वपूर्ण हो तो आप उसके लिए आप उसके लिए किसके लिए यूजफुल हो तो आप उसके लिए महत्वपूर्ण हो अगर आप किसी के लिए यूजफुल नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको आप मास्टर हो डॉक्टर हो आप हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया का नियम है सर्वाइवल फिटनेस उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा धीरे धीरे सीख रहा हूँ बोलने से नहीं आएगा बोल में कितना ही बलो नहीं आएगा बोले गलत गलत अभ्यास ना किसक 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 समझ पाओगे और आप जब तक समझ पाए तब तक वो आ जाता है डर होने लगता है क्या करें मेरा नियम कोई बात नहीं कोटा में आप लोगों से व्यवस्था हो गई है